अमर पाटन हाईवे पर सफर कर रहे कार सवार के साथ टोल प्लाजा पर मारपीट की गई। इस घटना का वीडियो भी सामने आया है, जिसके बाद पुलिस ने इस मामले की जांच कर रही है। NH30 ओडकी टोल प्लाजा पर एक युवक के साथ मारपीट की गई घटना का वीडियो भी सामने आया है। कार सवार युवक अपनी माँ और परिवार के साथ मैहर से रीवा जा रहा था। अमर पाटन के ओडकी टोल प्लाजा पर कार में फास्टैग लगाने के विवाद पर कार सवार युवक के सर पर लाठी डंडे से मारपीट की गई। आधा दर्जन युवकों ने कार सवार को बेरहमी से पीटा। पीड़ित शिकायत लेकर अमरपाटन थाने पहुंचे। इसके बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। हम लोग मैहर से रीवा जा रहे थे, तो वो नई गाड़ी थी हमारी, फास्ट ट्रैक, हमको नया इशू कराना था। तो उनसे बात किए तो बोला 600 रुपये लगेगा। पर ठीक है, 600 रुपये लगेगा, फास्ट ट्रैक उसने बनाया और गाड़ी का चेसिस नंबर दूसरे गाड़ी का डाल दिया। चेसिस नंबर दूसरे गाड़ी का डालने के बाद हम लोग बोले कि भैया हमारे गाड़ी का नंबर डालिए। तो इसी चक्कर में बहस करने लगा और वो बोल भी रहा था कि इसमें 500 रुपये आपको मिलेगा फास्ट ट्रैक, फिर वो भी नहीं मिला, 100 रुपये बस आया उसमें। उसके बाद वो बहस करने लगा, हम लोग बोले जब नहीं हुआ है भाई, हमारा नंबर नहीं डालोगे तो हम पैसा कहे को देंगे आपको, तो हमारा काम होगा जब ही पैसा मिलेगा आपको। तो इसी चक्कर में वो हमको जाके एक थप्पड़ मारा है पहले, तो थप्पड़ मारने के बाद हम लोग नीचे उतरे हैं तो हम लोगों से गाली गलौज करने लगा, हाथापाई करने लगा। फिर दो लोगों को किसी से फ़ोन किया उसने, वो लोग वहाँ से डंडा कुछ नुकीली चीज़ लेके आए, डायरेक्ट मेरे को मारना चालू कर दिए। हम मैहर से रीवा की ओर जा रहे थे और रीवा की ओर जाने के बाद अचानक वहाँ पे फास्टैग का एक बोर्ड लगा था। हमारे गाड़ी पे फास्टैग ना होने के कारण हमने उस व्यक्ति से फास्टैग के लिए मांग की, तो उसने फास्टैग लगाया और फास्टैग के लिए उसने हमारे गाड़ी का ना कोई चेसिस नंबर और ना ही गाड़ी का नंबर चूँकि था नहीं, गाड़ी नहीं थी, तो चेसिस नंबर ना डाल के उसने एक दूसरी किसी गाड़ी का चेसिस नंबर डाल के बेचने के लिए और पैसा मांगने की ज़बरदस्ती कोशिश की। और पैसा ना देने पर और हमने अपने चेसिस नंबर डालने की बात कही तो उसने पैसा मांगने की ज़बरदस्ती की, और इस बीच पे अगर पैसा ना दिया तो उस व्यक्ति ने मेरे भाई के ऊपर अचानक हमला कर दिया। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।